हेलो दोस्तों, आंचल गार्डन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने गार्डन के कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मार्च की 15 तारीख है और संडे है फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा वीडियो तो बनता ही है। तो आज की मैं ये वीडियो पाउडर पफ प्लांट के साथ, के फूलों के साथ शुरू करती हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, खुशबूदार फूलों के प्लांट। तो सबसे पहले मैं आपको ये पाउडर पफ का फ्लावर्स दिखाती हूँ। बहुत ही हैवी ब्लूमिंग पर है ये प्लांट, देख रहे हैं फ्रेंड्स। मैं ऊपर से भी दिखाती हूँ आप लोग को, ये पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। और इसके फूल देखिए बहुत सुंदर, और बर्ड्स भी देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत होते हैं इसके। अभी सुबह के 7 बजे हैं फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में आई तो इस प्लांट को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने अपने मशरूम को भी रख दिया है फ्रेंड्स पॉट के ऊपर। और इधर ये गुड़हल भी देखिए, ये भी अच्छे ब्लूम कर रहा है। आज ये दो फ्लावर्स खिलेंगे, एक फ्लावर्स कल स्पेंड हो गया है और ये पीला गुड़हल। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला ये हरसिंगार का प्लांट, जिसे पारिजात का प्लांट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके फूल देखिए इस प्रकार के होते हैं और रात में खिलते हैं और ये सुबह झड़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगाइए, खुशबूदार फूल होते हैं इसके, बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, भीनी भीनी, आपके गार्डन को रात में ये महका देगा। और मेरा दूसरा प्लांट है ये गंधराज का, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त होती है और इसके पेटल गुलाब की तरह होते हैं, वाइट कलर का फूल होता है और इसके फूलों से भी बहुत खुशबू आती है फ्रेंड्स। और इन सारे प्लांट्स की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए फ्रेंड्स, और मॉइस्ट बना रहना चाहिए मिट्टी में। पानी का डालते समय आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये कुंदा का। ये कुंदा का प्लांट भी खुशबू वाले फूल देता है फ्रेंड्स। इसके फूलों से भी भीनी भीनी खुशबू आती है और ये आपके गार्डन को महका देगा। इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करें, हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। जब इसके फ्लावर्स कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसके ब्रांच को कट कर देना है, जिससे नए नए ब्रांच निकलेंगे और फिर से कलियाँ बनकर फिर से फ्लावरिंग पर आएगा। और ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। बस हमको ये करना है कि कंप्लीट होने के बाद इसके फूलों को कट कर देना है और थोड़े ब्रांच को भी कट कर देना है फ्रेंड्स। ये मेरा 1.5-2 साल पुराना प्लांट है, इसकी मुझे रूट प्रूनिंग करनी थी फ्रेंड्स, गमला मिट्टी चेंज करनी थी इसकी, लेकिन मैंने इस साल नहीं किया। अब नेक्स्ट ईयर ज़रूर इसकी मिट्टी चेंज करूँगी मैं, और रूट प्रून भी करना है। ये 16 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है, इसलिए मैंने इस साल इसको चला लिया, नेक्स्ट ईयर ज़रूर इसमें काम करूँगी मैं। और मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये मोंगरे का, ये भी बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है और गर्मियों में फ्लावरिंग करता है। इसके फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं फ्रेंड्स, और सभी गार्डनर को इसके फूल पसंद होंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके फूलों से। मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाती हूँ इसका, जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये दूसरा प्लांट है मोंगरे का, और इसमें देखिए फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और मेरा ये नेक्स्ट प्लांट है मधुकामनी का, ये देखिए इसके फूल इस प्रकार से होते हैं, ये बर्ड्स हैं फ्रेंड्स। इसके फूल वाइट कलर के होते हैं और इसके फूलों से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच में मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखाऊंगी। ये देखिए पर्पल हार्ट, कितना खूबसूरत ये प्लांटर में लगा हुआ है तेल के केन में। अब मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये रात रानी का प्लांट फ्रेंड्स, और इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें रात में फ्लावरिंग होती है, सुबह इसके फूल सिकुड़ जाते हैं। इसके फूल मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मेरे ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है इसका बड़ा प्लांट, उसमें फ्लावरिंग हो रही है
मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इन प्लांट्स को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, आपका गार्डन खुशबू से भर जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के फूल होते हैं रात रानी के, देखिए। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड करिए ज़रूर। और नेक्स्ट प्लांट है मेरा ये देसी रोज़ का, देसी रोज़ में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, देखिए। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और अपने गार्डन को महकाइए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग के साथ यही शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।